वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। Narayana, 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 Naray
சௌந்தரிய சார் சர்வஸ்வம் வந்தே நந்தாபியம் பிரபன்னபாரிஜாதாயோ தோத்ரவேத்ரைகுபாணை யானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதுவே நமஹ. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சசானூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் விஷ்ணு வந்தே வர்ஷீ விபூஷிதராமந்தரேற்றமே நாம கீ மகிமா அபார ஹை. ஜெய பகவான் அபார ஹை, ஐசே உஸ்கா நாம ஹி அபார, உஸ்கி மகிமா பி அபார. உஸ்கி மகிமா ஜானனே கே லியே கேனா சுன்னா பி ஏக சாதன ஹை, பரந்து அஸ்லி நாம கீ மகிமா வஹி ஜானதா ஹை ஜோ நிரந்தர நாம ஜப கர்த்தா ஹை. ऐसे भूखे आदमी को भोजन की बात भी अच्छी लगती है, क्योंकि वह भूख मिटती है भोजन करने से। ऐसे ही नाम लेने से नाम का पता लगता है, सुन करके भी रुचि होती है, अच्छा लगता है। तो असली नाम का पता तब लगता है जो नाम जप करते हैं। ऐसे नाम जप करने में लगे हुए साधु कोई कोई मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है कि नाम में जब मन लगता है तो इधर उधर देखने का मन नहीं करता, कुछ सुनने का मन नहीं करता, बस लिए जाए लिए ही जाए लिए जाए। रात्रि में सोना चाहिए, इस बात तू कहते कि दो घंटा सोता हूं और नाम छूटता नहीं, नाम होता ही रहता। एक विलक्षण बात है जिस पर विश्वास हरेक का नहीं होता। भगवान का नाम 2 लाख 3 लाख 4 लाख नाम ले ली, एक दिन में 8 बार 24 घंटे होते हैं, उनमें 3.5 लाख नाम जपने वाले के ही भाई बहन। एक संत ने कहा कि हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख नाम, 11, 12, 13 लाख नाम जब हो जाए तो आश्चर्य आता है, वे घंटा तो 24 ही है, उसमें इतना नाम कैसे हो गया। कहते वो चलता है जो नाम राम 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 चलता है तो फिर विराम तो होता ही नहीं, निरंतर होता रहता है, उसे नाम जब इतना हो जाता है। तो उनकी बात पर अविश्वास तो मेरे को नहीं होता, विचार नहीं कैसे घंटा तो 24 ही होते, इतना लाख कैसे हो जाए। फिर एक पुस्तक देखी मनीषी की लोक यात्रा, वो पुस्तक देखी उसमें एक जीवन चरित्र था, तो उन्होंने अपनी बात पूछी है, वो नाम जब करते थे
एक दिन उनके बहुत ज्यादा नाम जप हो गए, 8-10 लाख नाम जप होना चाहिए, इतनी देर में बहुत नाम जप हो गया। उनके गुरु जी थे विशुद्धानंद सरस्वती, उनको गंध वाला बाबा ही कहते, उनके शरीर से सुगंध आया करते, अच्छे योगी थे। तो उनसे पूछा कि महाराज आज इतनी देर में मेरा इतना नाम जब कैसे हो गया, इतनी देर में थोड़ा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नाम जब कैसे हो गया। उन्होंने उत्तर दिया कि जब भगवान के साथ तल्लीनता होती है उस समय में ये समय नहीं रहता, ये वो काल भी दिव्य हो जाता है, ये काल नहीं रहता। तो उस काल में ऐसा हो जाता है जैसे आदमी को नींद आती है, सत्संग में सुनते सुनते कभी ऐसी नींद आई थोड़ी सी, उसमें सपना आ गया लंबा सा, बहुत देर पर ऐसे घूमे रुआ घूमे रुआ घूमे, तो वो सपने का जो समय है वो और है। तो एक मनुष्य की नींद है वो भी एक माया है, उस माया में भी इतनी विलक्षणता है जो थोड़े में बहुत समय ज्यादा बता देती है। ऐसे भगवान की शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाने से वो समय, ये समय तो पीछे रह जाता है, उस समय में नाम जब बहुत हो जाता। ये बात जब पढ़ी तो पता लगा कि यही बात होती है, हमें तो पता नहीं, परंतु ऐसे नाम जब होता है, नाम जब करते करते भगवान के साथ में एकता हो जाती है। नाम और नामी एक है, नाम और नामी दो नहीं है। यह संसार का नाम होता है और एक नामी होता है व्यक्ति, ऐसे भगवान नहीं, भगवान का नाम भी चिन्मय है, सच्चिदानंदमय देह है तुम्हारी, भगवान का स्वरूप भी चिन्मय है, वो चिन्मयता में जड़ता नहीं रहती। पर ये चिन्मयता प्राप्त होती है तन्मयता से, नाम जब किया जाए एकदम तल्लीन होकर, राम 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 राम, कोई सा जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो भक्ति हो उसी नाम के जप करने से ये बात हो जाती। गोस्वामी जी महाराज ने तो नारद जी से वरदान मंगाया है, भगवान ने दिया है वरदान, राम सकल नाम मनते अधिका, ओहु नाथ अघ खगण बधिका, जितने नाम है संसार में सब नामों से भगवान का नाम अधिक हो जाए, अनंत पापों का नाश करने वाला नाम हो जाए और नामों से अधिक हो जाए। दूसरे नाम है तारों के सहित राम नाम से सोम, ये चंद्रमा है, ऐसा देवी नाम नाम है, राम नाम की बहुत विलक्षण विलक्षण महिमा है, बहुत अलौकिकता है इसमें। राम नाम जपते ही ये पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। मेरे को किसी सज्जन ने कहा है कि जब हमारे हलचल होती है और वो ठीक नहीं मिलती तो आधे घंटा बैठ के राम 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 ऐसे उनको कानों से सुनते हुए नाम जब करता हूं तो शांति हो जाती है, हलचल मिट जाती। आप लोग करके देखें, अपार शक्ति है नाम में, अनंत शक्ति, और चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं नाम और आन उपाऊ, चहो और चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उन्होंने कहा नाम नाम कारि बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सब शक्ति नाम में रख दी। तत्रार पिता, जितनी शक्ति हो सब की सब नाम में रख दी, कलयुग में नाम में रख दी। और एक विशेष बात ये बताई कि स्मरणीय काल, स्मरण करने के लिए समय नहीं बांधा,
कि सुबह एक, दोपहर में एक, रात्रि में एक, सब समय में एतादृशी तव कृपा महाराज, आपकी तो ऐसी कृपा कि नाम में सर्वशक्ति देवी, अब भगवान का स्वरूप तो आवे न आवे उसमें तो हमारी प्रसन्नता है, क्या नाम में भी पराधीनता है। कृषि तो सुलभम भगवान नाम भागस्ती भगवती, भगवान नाम बड़ा सुलभ और जिह्वा अपने वश में संतरण करे, मुक्ति मुंडे में थारे, मुक्ति तेरे मुंह में ही है, राम 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 राम, उसको मुक्ति कहते तेरे मुंडे में मुख में राम 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 घर से मुक्ति हो जाए, किसी विलक्षण बात है, सब कुछ हो जाए। गोस्वामी जी महाराज का आज वर्णन आया था, नाम बंद नाम है अगुण सगुण विज नाम सुसागी, निर्गुण और सगुण दोनों में नाम सुसागी बड़ा सुंदर साक्षी है। और उभय प्रबोध चतुर दुभागी, ऐसा ये चतुर दुभागिया भगवान का नाम है तो सगुण को भी जना दे, निर्गुण को भी जना दे, सगुण के दर्शन भी हो जाए, निर्गुण का ज्ञान भी हो जाए नाम जप करने से। गोस्वामी जी महाराज नाम की वंदना करते हुए कहते हैं, नाम और नामी में वो बड़ छोट कहत अपराध, बड़ा कौन है छोटा कौन है ऐसा कहने में अपराध लगता, दोष लगता है किसको छोटा कहा जाए, पर गुण सुनी गुण भेद समझे है साधु, गुण भेद मैं कहता हूँ उसको सुनने से संत समझ जाएंगे, ऐसा कह करके। और आपने खुद ने कहा है कि मोरे मत बढ़ नाम दूते, मेरे मत से सगुण अगुण दोनों से बढ़कर भगवान का नाम है, दोनों से कैसा विलक्षण नाम है कि अपनी शक्ति से सगुण को और निर्गुण को दोनों को वश में कर दिया, राम राम जपते से निर्गुण का ज्ञान हो जाता है, सगुण का साक्षात्कार हो जाता है, प्रकट होकर राम जी दर्शन दे देते हैं और बोध हो जाता है। ऐसे भगवान का महाराज गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्म राम थे नाम बड़ बरदायक बरदान, तो ब्रह्म निर्गुण को कहते हैं, राम सगुण को कहते हैं, तो पहले दोनों से बढ़कर कहा और उपसंहार करते हुए ब्रह्म राम थे नाम बड़ दोनों की महिमा बताई। ब्रह्म है वो कैसा है कि व्यापक अगुण और सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा का अगुण और सगुण दो ब्रह्म स्वरूप, अकथ अगाध अनादि अनुप, अकथ और अगाध अनादि अनुपम, ऐसा ऐसा अपार भगवान का नाम है। ऐसा कहकर के एक बात बड़ी विलक्षण कही कि भगवान का नाम जो निर्गुण है वो तो कैसे होता है कि नाम निरूपण नाम जतन थे सहु प्रगट रथ मोल रतन थे, एक रत्न होता है लाखों रुपयों का तो एक दिखता दाना सा दिखता है, पर उसको बटाया जाए तो लाखों रुपये में सब चीज वस्तु उसमें भरी हुई है और दिखता छोटा सा है। ऐसे नाम का निरूपण किया जाए इसमें गहरा उतर के जिक्र नाम जब किया जाए तो सिद्धि और शुद्धि सब जो कुछ है जो लोक और परलोक और सगुण और निर्गुण साकार निराकार सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान का नाम है। तो मेरे मत में दोनों से बढ़ करके है, दोनों को ये प्राप्त करा देता है। तो निर्गुण है वो, निर्गुण के विषय में कहा कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म निर्गुण कहते हैं वो व्यापक है, ब्रह्म उसका नाम है, अविनाशी है, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेत आनंद घन सच्चिदानंद है,
और घन है घन, मानो ठोस परिपूर्ण सब जगह ठसा ठस भरा हुआ है, ऐसा वो ब्रह्म परमात्मा। ऐसे परमात्मा के रहते हुए सबके हृदय में उस परमात्मा के विराजमान रहते हुए सकल जीव जग दीन दुखाई, सबके सब दीन है सबके सब दुखाई। कितने आश्चर्य की बात है, आनंद राशि परमात्मा के हृदय में रहते हुए सबके सब दीन दुखी है, पर वो भी निरूपण किया जाए बहन किया जाए तो जैसे रतन से मूल्य प्रकट होता है ऐसे आनंद प्रकट हो जाता है। ब्रह्म सुख अनुभवी अनुपा, अनुपा में जिसकी उपमा नहीं हो सकती, ब्रह्म के समान ब्रह्म नहीं है, उस ब्रह्म सुख का अनुभव करें जिसका ना नाम है ना रूप है ना गुण है ना कुछ भी नहीं, जिसको कहने में ये तो वाचो निवर्तन थे अपराध मन सा मन समय जान में पारी, ऐसे वो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। और राम जी जो सगुण है उनसे भी बढ़कर भगवान का नाम, वह राम जी का चरित्र वर्णन किया है नाम वंदना में आज पाठ आया था, तो उसमें कहा राम एक तपस्वी तारी, राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार कर दिया, राम एक तपस्वी तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, तपस्वी की स्त्री तपस्वी है, तपस्वी स्त्री तो आधार पवित्र है ही, राम एक वही गिनती एक राम एक तापस्ती तारी उसका उद्धार कर दी, नाम कोटि एक जगह करोड़ो तापस ने खल कुमति दुष्टों की खोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि शुद्ध कर दी, तो बुद्धि जिसकी शुद्ध हो जाए वो तो हो जाए महात्मा, तो उद्धार करे दुनिया का अहल्या उद्धार थोड़ी कर जाए और होगा, तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऐसे कहा। अगर रामायण का पूरा वर्णन किया है, सबरी गीत सुशे सबरी है गीत है ऐसे अच्छे सेवक थे, सुगति दी रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विधि गुण रात, जब वेद विधि गुण कथाएं हैं ऐसे अमित खल गिनती नहीं है, ये तो एक सबरी गीत सुशेखर अच्छे सेवक को गति देवी, ऐसे राम सुगंध आदि जो सुग्रीव आदि है हनुमान जी आदि का उद्धार किया, नाम ने बहुत उद्धार कर दिया, अनगिनती का उद्धार किया जिसकी गिनता ही गिनती ही नहीं। राम जी अवतार लेकर के तो एक समय में आए, ये सब समय में महाराज सतगुरु त्रेता द्वापर कलिगे सब समय में अवतार लेकर भगवान तो अयोध्या और फिर वन में वनवास में वहां दंड आदि रहे, राम महाराज जो सब जगह हरदम जहां जाओ राम महाराज किया, नाम महाराज कौन बोले सब जगह अश प्रभु वो भगवान का नाम समझी गई, तो अगुण और सगुण दोनों से ये नाम बड़ा, ऐसे दोनों बड़ा देख नाम जो महाराज है जो बड़ा विलक्षण, ब्रह्म राम तो ये नाम बड़ बरदायक बरदान, ब्रह्म तो निर्गुण और राम सगुण दोनों से नाम बड़ा है, बरदायक बरदान जो वरदान देने वाले उनको भी वरदान देने वाला नाम है, कि कैसे कि रामायण शत कोटि मा महेश जिए जान, 100 करोड़ रामायण की रचना की वाल्मीकि बाबा ने, वो सामने रखी शंकर के, तो शंकर नाम की महिमा को जानने वाला है, कुंभ राम नाम दिन राति सादर जग जप अनंग अराति, आप रात दिन राम 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 करते रहते हैं, अब कौन सी मुक्ति करनी है, कौन भक्ति प्राप्त करना है, क्या करना है, ऐसे आदर सहित आप नाम जप करते हो, क्या है तो भगवान शंकर विष्णु
रस लेते हैं, नाम की भूख में डूबे रहते हैं हरदम। तो भगवान शंकर के सामने रामायण रखी, महाराज खुश बहुत हुए, भोले बाबा खुश हो गए। तो अब क्या करें, ऐसी बढ़िया चीज तो भाई सबको देनी चाहिए। तो तीन लोगों में बंटवारा किया उसने। अब 100 करोड़ रामायण का बंटवारा कर तो 33-33 करोड़ आए, 1 करोड़ बच गया। अब 1 करोड़ तो 33-33 लाख कर दी, फिर 1 लाख बच गया। 1 लाख और 33-33 हजार के, 1 हजार बच गया। 1 हजार में 300 तो 900 गया, 100 बच गया। 100 में 33-33 गया तो 1 बच गया, 1 श्लोक बच गया। अब उस 1 श्लोक होते हैं 32 अक्षर, तो 32 अक्षरों के 3 भाग करे तो 10-10 अक्षर हो गए, 2 अक्षर बचे। अब किस हो जाए किस हो जाते, भगवान शंकर ने कहा भाई 2 अक्षर 2 अक्षर मैं लेंगे। बंटवारा गया तुम्हारा 2 अक्षर हम लेंगे। राम रामायण शतकोट मान लिए महेश जी जान, भगवान शंकर ने ध्यान करके 2 अक्षर अपने दे दिए भाई। 3 तो हो गया, एक एक सबको दे देते, 2 ही रहे। रामायण सतकोट मारिए महेश जी जान, राम नाम में सब कुछ आ जाए, भगवान शंकर ने लिया। बस वो ही लेते ही रहते हरदम। जहर के पीने से आदमी मर जाए, भगवान शंकर ने जहर पी लिया। वो समुद्र मंथन किया तो हरा हल जहर लिया, जिस तब से जीव जंतु जल गए। भगवान शंकर ने क्या किया, राम इनके बीच में लेकर के जहर पी लिया। वो नीलकंठ हो गए, यहाँ ऊपर आ जाए तो कड़वा हो जाए मुंह, भीतर से खाए तो मर जाए, यहाँ से ही नीलकंठ हो भगवान शंकर। तो जहर यहाँ का यहाँ ही रहा राम नाम के भीतर। ऐसा भगवान का नाम है सज्जनों, नाम लेने से पता लगता है। जिन लोगों ने लिया है उन लोगों ने कहा है, कहीं कहीं ऐसे संत मिले लेने वाले, मैं कहते मेरे नाम का ये जीता हूँ और कोई मेरे पास शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, पर नाम असंभव को संभव। एक कथा आई है द्वारकादास द्विवेदी, उन्होंने एक बात लिखी है, कल्याण में आई थी, बहुत पुरानी बात है, 40-50 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि एक बार मैं द्वारका गया था, द्वारका गया तो द्वारका का रास्ता भूल गया, जंगल में भटक गया। तो एक कुटिया में एक बाबा मिले, एक बैरागी बाबा कुटिया में मिले, उनसे बातें हुई तो संस्कृत में ही, वो बाबा भी संस्कृत बोलते हैं, मैं भी संस्कृत बोलता, तो संस्कृत में बातें हुई। उनको पूछा कि बाबा आप यहाँ कहाँ रहते हैं, किससे पढ़ते हैं, कैसे? तो वो कहने लगे, नासिक त्र्यंबक में कुंभ का मेला था, उस मेले में विद्वान लोग आपस में उस शास्त्र की बातें कर रहे थे, तो मैं भी बिजड़ गया, मेरे को ज्ञान नहीं था अक्षरों का। तो उन्हें बड़ा तिरस्कार किया, बैरागी बाबा जानते नहीं अक्षरों का, ज्ञान नहीं, यहाँ बीच में उधर निकलो यहाँ से। ऐसे जब तिरस्कार किया तो मेरे को लगा बड़ा दुख लगा कि मैं भी संस्कृत पढ़ जाऊं, पढ़ू किसके पास, बड़ी अवस्था। तो फिर मैंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे जप करना शुरू कर दिया, एकांत में आकर जप शुरू कर दिया। और जप करते करते व्याकरण लाकर पढ़ने लगा, व्याकरण आ गई। ऐसे कई ग्रंथ बताए, आज कहते मैं अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ, अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ, गंगा में अकेले बैठे हुए। तो पढ़ाई होगी सब नाम से, नाम जब से, और नाम से पता होता है कि ये विद्यार्थी आजकल होते हैं जब हम पास हो जावे। मैंने ऐसी बात देखी है, ये नाम जब करते हैं वो फैल नहीं होती, समय लगा देते फैल नहीं होती। हमारे एक सज्जन थे, वो नवा पाठ करते थे, उनकी बात है जैसे कि रामायण के ये पाठ करते 108
नवा करता रहे, 9 दिनों में एक पूरी, 9 दिनों में फिर पूरी, 9 दिनों में पूरी, ऐसे 108 पार लगातार कर रहे तो राम जी से उनका घनिष्ठ संबंध हो जाता है। ऐसे जी को पढ़ा तो शुरू कर दिया। अब पढ़ाई करते थे, एक आने पढ़ने में समय तो लगता ही है, अरे परीक्षा देनी तो परीक्षा के समय में भी वो कहते हैं मैंने अपना पाठ नहीं छोड़ा, करता रहा, अरे अच्छे नंबरों से पास हो गए। विद्यार्थी की परीक्षा आती है ना, उस समय बड़ी चिंता लगती है कि फेल न हो जाऊं, रातों जग कर करता है। माँ कहती बेटा सो जाओ, तुम बीमार हो जाओगे, माँ बीमारी जब फेल हो जाऊंगा, बड़ी चिंता रहती है। नाम जब में समय लगाने वाला फैल नहीं हो, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती, विलक्षणता उसमें आ जाती। तो चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों चारों युगों में, परंतु कली विशेष, कलयुग में उसी महिमा विशेष नाम की। ऐसे नाम में लग जाए भाई तो देखो ये तमस। पर एक सीधी सादी बात, इसमें विलक्षण बात है कि इसमें कल संतरण उपनिषद में कथा आती है। एक बार नारद जी महाराज नारदो ब्रह्मानंद जगाम ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि महाराज ये कलयुग के लोग अपना उद्धार कैसे करें? कहते भगवान नाम से। नाम कौन सा? तो हरे राम हरे राम, राम राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये भी सोलह उसकम कलिकल्मषनाशनम, ये सोलह नामों का मंत्र है कलयुग के पापों का नाश करता है। तो महाराज कैसे जपा जाए? कोष से विधि थी सहो आज प्रजापति नाश से विधि थी। तो महाराज विधि गए, विधि है अशुद्ध वो शुद्ध वो कैसे ही बोलते जप जे जप जाए बस जप के जा साढ़े करोड़ त्रिकोण जप जे 3.5 करोड़ मंत्र जप हो जाए तो सलोक था सारू पिताम मुक्ति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े पापों से तुम करती सब उतर जाता। ऐसा काले चंद्रण उपनिषद में ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद। तो कलयुग से बचने के लिए, कलयुग के पापों से दूर रहने के लिए भगवान का नाम है। ये नाम लो, नाम लेने से उद्धार हो जाता है। संत महात्मा लोग होते हैं वो ये नाम का ही आधार रखते हैं। जो कुछ है राम 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 राम, वो बात सुनते हैं राम 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 राम। हमने सुना है कि काशी जी में रामानंद जी महाराज हुए हैं, बड़े संत, कई 100 वर्षों के हुए, बड़े संत हुए। तो कबीर साहब थे, उन्हें जाकर कहा महाराज आप मेरे को दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, राजा थे वो देते हैं, हम नहीं देते। अब मन में आएगी गुरु महाराज मंत्र लेना, तो वे काशी जी में थे तो जल्दी उठ करके जाते थे गंगा जी नहाने के लिए। तो गंगा जी नहाने के लिए जाते थे, बीच में लेट गए तो उनके पग लगा तो राम 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 राम, कोई सजन के ठोकर लग गई तो राम 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 राम। कभी जी ने सब मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, संतों की ठोकर लगी। अब क्या है, कबीर साहब बड़े संत हुए। ये संत मत में चक्रवर्ती संत माने जाते हैं। कबीर साहब बहुत ऊंचे दर्जे के संत हुए, ये नाम का प्रभाव से। और चेला हुआ रामानंद का भणे कबीरा, उनकी वाणी में आता है रामानंद का, तो रामानंद महाराज की शिष्य हो गए कितने कितने दिनों बाद। और अलोक के संत हो गए, ऐसे नाम के प्रभाव से कई संत हो गए, कई जिसकी गिनती नहीं कर सकते आप। महाराष्ट्र में आप देखो, गुजरात में देखो, मारवाड़ में देखो, जगह जगह देशों में आप देखो, बिल्कुल ग्रामीण आदमी कुछ पढ़े लिखे नहीं, केवल नाम जप करने से विलक्षण सिद्धि हो गई। एक पंडित ने बहुत वर्षों पहले की बात, कल्याण में लेख लिखा था, मैं पंजाब में गया तो वही फूला सिंह मिले, फूला सिंह जाट थे, पढ़ने के नहीं थे बिल्कुल, एक अक्षर बिल्कुल,
तो उनको 125 26 वर्ष की अवस्था हुई, बूढ़े हो गए। उनसे पूछा कि बाबा आपकी क्या आपने साधना की, तो वो साधन नहीं कहते थे, वो नाम जब नहीं कहते थे। एक संत मिले, उसने बता दिया तो लेखा करता हूं, अंगुलियां पर लेखा भैया करते नाम लेखा लेखा ही कहते लेखा करता हूँ। उस नाम जप में लग गए। अब नाम जप में लग गए, अपने घर में गायें थी तो गायें चराने के लिए घर वाले गए, जाओ गायें चराने बच जाते, तो गायें चरा तो उसमें दिन रहते पड़े, गायों को देखना पड़ता। तो गऊ कहते गौ माता सुनो, सब गौ माता सुन लो, गौ माता सुनो सुनो बात ऐसे कर देखो, ये जितने खेत है ना, इन खेतों में ऊपर ऊपर का भाग तो है मनुष्यों का और नीचे का भाग सब तुम्हारा ही है, परंतु तो अभी अगर चलोगे तो अन्याय हो जाएगा, अभी मनुष्यों का भाग है इसमें, इस वास्ते अभी खेतों में मत जाना और नीचे सारा तुम्हारे को मिलेगा और कर जाएगा। ऐसा कह कर दे अपने लिख हम बैठ जाते, गाय खेत खेत तक चले जाए, खेत में जाती नहीं, बारिश चलती रहती। लोगों को पता लगा, दूसरे छोकरे गाय चराने वाले थे उनको पता लग गया, फिर गायों में इकट्ठी कर देते थे, खेलते खूब मोल से। अब किसे आ गए गायों में खेलते थे, खेत में नहीं जाना, खेत में तुम्हारा ही हिस्सा है, मनुष्य दोनों का हिस्सा है ना, अभी अभी नहीं जाना, मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा तो तुम्हारे को मिलेगा, अभी अभी अपना हिस्सा है। ऐसे गाय चराया करते, कई चमत्कार की बात है पंडित जी ने लिखी। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि महाराज योग दर्शन में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य बोलते बोलते सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो जो जवान कहता है वही हो जाती है, जो कह दे वचन दे दे वही हो जाए, ऐसी शक्ति आती है। अच्छा ये पोथी में लिखी बात, वो पीला सिंह संत कहने लगे ये बात पोथी में लिखी, हाँ महाराज बढ़ा से पोथी में बात लिखी ऐसी, मारू ये तो करने की है जानने की है, पुस्तकों में लिखी ऐसी बात है। आज पुस्तकों वाले कहते हैं कि पुस्तक में लिखी ये बातें होती है क्या, पोथी बात थी वही, आज तक ये कहते ऐसी बात पोथी में लिखी, हाँ महाराज पोथी में लिखी है, तो कैसे होती है। अब उन्होंने अर्थ बताया, सूत्र की टीका में कहीं मैंने नहीं दिया, इसकी व्याख्या फूला सिंह ने की, वो फूला सिंह व्याख्या कहीं आती है, कैसी व्याख्या की, तो महाराज कैसे हो जाता है भस्म सिद्धि कैसे हो जाती है। कहते हैं वो सत्य बोलते बोलते उनमें सत्य उतर जाता है, सत्य ही हो जाता है, तो अंतःकरण में भाव भी सत्य ही होते हैं, जबान से सत्य ही निकलता है, होने वाली बात ही निकलती है, दूसरी निकले कैसे, इस बार सत्य हो जाती है, सत्य है वो बात वही जबान से निकलती है। हम तो कह रहे कहने से सत्य हो जाएगा, फिर सत्य बात है, सत्य सत्य हो जाता है, सत्य बात नहीं निकल जाती। ये व्याख्या उन्होंने की वो नए ढंग की व्याख्या, कोई सूत्र अर्थ ऐसा लिखा नहीं है, बड़े बड़े भाषिक ही है, व्यास भाष्य योग सूत्रों के ऊपर व्यास भाष्य संस्कृत में, पर ये अर्थ नहीं लिखा। तो नाम से क्या अलौकिकता होती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे को तो राम लखन सम प्रिय तुलसी के रर म, जैसे राम लखन प्यारे लगे जो मेरे को नाम लगे प्यारा, ऐसा भरा जैसा कहा उन्होंने नाम बस। मेरे तो माए बाप दो आकर हूँ ससु अरणी अर, रार माँ ये दो मेरे माँ बाप है, रो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरुत मिलावे पी, मेरे तो माए बाप दोनों आकर, ये अक्षर दो है, ये हमारे दो माँ बाप है। अब माँ बाप से बाढ़ रो करके हरा कर ले हट जाए ना तो ले लेता, चाहे हूँ शिशु हरे नहीं हरो, मैं हट गया महाराज के सामने, तो मेरे नाम महाराज से सब कुछ हो गया, सब ले लो मन आओ ले लो,
माँ बाप से लेने में क्या जोड़ा है, माँ से अगर लूंगा मैं तो मैं नाम है राम नाम से ले लेता हूँ। ऐसे उन्होंने कहा कि भरोसा जाए दूसरों से करो, मेरे तो ये राम को नाम कलि कल्याण फलो, कलयुग में कल्याण फल गया ऐसे जैसे वृक्ष फल जाता है सब, ऐसे कल्याण जो फल जाता है राम को नाम है जो मेरे खास थी। ऐसे महिमा कहते कहते कहा कि शंकर साखी जो राखी कहूं तो जरी जी करो, कोट होता है ना सब अंग गल जाते हैं, ये गल जाते हैं सभी जीभ नहीं गलती, कोटी की जीभ नहीं गलती, जीभ में अमृत रहता है। कहता है मैं अगर बनावटी बात कहता हूं प्रभु सुदर्शन जाने जन की कहूं प्रतीत प्रीत किसी मन की, मैं प्रौढ़ी बात नहीं कहता हूँ जिसकी महिमा करने लगे ज्यादा ज्यादा घेर दिया से कह दिया, ऐसे नाम की महिमा नहीं कहता हूँ मैं, ये तो अपनी बात है हृदय की सच्ची बात कहता हूँ। तो ये कहते हैं शंकर साखी जो राख कहूं, बात दूसरी हो और बढ़ा कर कहता हूँ तो भगवान शंकर की गवाह आएगा। शंकर साखी, शंकर की साक्षी क्यों थी, साक्षी होता है वो ठीक कहते हैं हाँ ठीक कहते हैं, जो वो सच्ची कहते हैं हाँ सच्ची, तुम सच्ची कहते हैं हाँ उठाओ गंगा जल उठाओ गंगा जल उठाओ, तो भगवान शंकर वो कहते हैं महाराज गंगा जल है सिर पर, ठीक बोलना गया सिर पर गंगा जल, तो शंकर साखी जो राखी कहो और दूसरे की जो गवा दिया तो शंकर उसे सिर पर गंगा जल देनी पड़े, तो खुद उठाए बैठे बाबा, तो शंकर साखी जो राख कहूं तो जरी जी करो जरियार जीव गर जा अपनो भलो राम नाम राम नाम दे तुलसी समझी भरो करो, तू भरोसा जाए दूसरो सो करो, जिसके दूसरे जगह समझ गए तो करो भाई दूसरा भरोसा, मेरे तो राम का नाम ही है तो राम नाम के एक भरोसे रह जाए। वे तो कहते हैं सगुण निर्गुण मैं नहीं जानता, मैं तो राम नाम जानता हुआ, ऐसे कई संत हुए कई महात्मा हुए वो राम नाम के ऊपर ही हुए, नाम ही जपना बस रात और दिन, उसके सिवाय कुछ नहीं, सगुण निर्गुण साकार निराकार कोई झगड़े में पड़ते ही नहीं, उनके तो एक ही नाम ले लिया तो नाम महाराज जागृत होता है। नाम जपने नाम में अपार असीम महिमा है, हे तु कृषानो भानो हिम कर तू बंदव नाम राम रघु कर तू, गोस्वामी जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ भगवान के नाम की वंदना करता हूँ, बाबा कौन सा नाम है तुम्हारा, कहते वंदव नाम राम राम नाम की वंदना करता हूँ, राम कृष्ण का नाम रघुबर को राम देखो, बलराम जी का नाम भी राम है, गोस्वामी जी का नाम भी राम है, और रामचंद्र जी का नाम भी राम है, राम की तीन संख्या तीन होती, तो तुम किसके नाम के बंदो नाम कौन सा था? राम किसका रघुवर को रामचंद्र जी महाराज का नाम है उसको मैं तो वंदना करता हूँ, बंदो नाम राम रघुवर को हे तू कृषानु भानो हिम कर को, ये कृषानु भानो और हिम कर इनका बीज है, कृषानु अग्नि भानु सूर्य और हिम कर चंद्रमा, ये अपने देखने में तीन ही प्रकाश रूप से दिखते हैं, सूर्य है चंद्रमा है और अग्नि है अंधेरा दूर कर देते हैं, तो ये तीनों का बीज अक्षर है कृष्णो है कृष्ण बीज में रह है भानु में है आ है और हिमकर में मा है, तो कृष्णो है कृष्णो में ही रही और अगर भानु में आ हो गया तो रा हो गया, अब हिमकर में मैं ले लिया तो ये राम नाम निकाल दे तो कृष्णु अक्षण अक्षण कोई नाम नहीं दिया, और भानु में भ्रू हो जाएगा भ्रू कोई नाम नहीं, हिमकर में हिमा निकल जाए हिकर हो जाए हिकर, तो राम निकल गया निकल गया सब राम निकल राम निकल गया, कुछ अर्थ नहीं, नहीं तो हिम नाम है मकर नाम है कर नाम है सब नाम होते हैं, राम ये निकाल दिया जाए कृष्णो भानो हिम कर सब निश्चित हो जाता है,
तो कृषाणों में क्या अग्नि में जलाने की शक्ति, तो पाप तापों को सबको जलाने वाली शक्ति है हृदय में, और सूर्य महाराज में है प्रकाश करने की शक्ति, तो हृदय में आ लगा रहा ये आया सूर्य भगवान, तो अंतकरण में प्रकाश कर दे ज्ञान पाए, जैसे मैंने कहा बिना पढ़े विद्या आ जाए, एक वृक्ष में प्रकाश आ जाता है भीतर सूर्य का, और हेमकर चंद्रमा का मन आ जाता है। चंद्रमा में क्या है, शांति देना, शीतल कर देना, ठंडा कर देना, तो अंतकरण को शांत कर देता है, पापों का नाश कर दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे और शांति प्रदान कर दे राम नाम। तो इनका हेतु बीजाक्षर है, इनके बीज है, वो बीज राम नाम है। बीज में वृक्ष रहता है, दिखता नहीं, परंतु उसको ठीक बो दिया जाए, ठीक पानी और हवा और घाम सब मिले तो वृक्ष हो जाए, वृक्ष के बीज लग जाते हैं। ऐसे राम नाम है, ये अ र और बीज, और म है, ये बीजाक्षर है। कृषाणु भानु हिम करके, तो इसमें ताप पाप को शांत करने की, प्रकाश करने की और शांत देने की विलक्षण शक्ति है, और शक्ति प्रकट होती है भाई नाम जप करने से। लोग कहते शादियां सिद्धि है, क्रांतियां सिद्धि है, बिना ये पता नहीं लगता। इस बात से राम नाम में रात दिन लग जाओ, देव देव आनंद आनंद मोह मोह, अपार महिमा है नाम वंदना, बहुत कुछ बातें आई है, आज आप पाठ किया ही है। और गोस्वामी जी ने क्या कहा है, जब आरंभ किया ना, इसमें क्या है, इसमें एक चीज है, महारघुपति नाम उदारा। आरंभ में कहा हमारे रामायण में क्या है, रघुनाथ जी का नाम उदार नाम है, ये विलक्षण है, ये अलोक है। सुन तो सुपाइयों में रर में आवे गए, बहुत कम ऐसी सुपाई है जिसमें रर मम नहीं आता, तो हरेक सुपाई मुझे रर में आवे गए, हरेक सुपाई उदार भगवान का नाम उसमें है। परंतु जहाँ कलयुग का वर्ण है, कलयुग के आदमियों का वर्ण है, वहाँ झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ से देना, न रह न मां, मां निकले, इनमें से राम नाम निकले, राम निकल जाएंगे, वैसे उन्होंने नाम लेंगे। अनेक चौपाई आप पढ़ो, कई चौपाई आप पढ़ोगे, उसमें रैर में मिलेगा, इसमें रघुपति नाम होगा, तो नाम इसमें रघुनाथ जी महाराज का नाम भर दिया, राम 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 अश्विश नारायण 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 ये बात है। जप करके देखो, जी कहते थे हमारी ये बात अक्ल में नहीं आई कि झूठे ही भोजन झूठा दिल कैसे होगा, झूठा सभी ना कहते, झूठा हो सकता है उच्चिष्ट भोजन है, उच्चिष्ट सभी ना कहते, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ सब लेना, ये बात हमारे कल में नहीं आती थी। परंतु ये कंट्रोल हुआ, चीनी का भी कंट्रोल, सीणों का भी कंट्रोल, ये कंट्रोल हो गया, चावल का भी कंट्रोल, चावल खाते सर चावल कहाँ मिलते हैं, खावे चावल मना खाते नहीं, तो झूठे ही भोजन, और चना मिलता नहीं सवेरे, अभी रसी बड़ा बना देंगे चना मिलते हैं सवेरे कहा करें खावे झूठ भोजन, तो झूठे कहना झूठे लेना झूठे भोजन झूठ सब लेना, ये कंट्रोल होने से समझ में आ गई, ये तो अकल में नहीं आ रही, झूठ क्यों बोले, असत्य क्यों हो रहा है, भोजन में सब लेने में झूठ क्या हो, सब लेने जैसे चला आदमी सब लेना जो साबने का सब लेना होता है, सब लेना कहते हैं भुना हुआ चना होता है ना, चना है, ज्वार है, मक्की है, इनको भूंज लेते तो सबे ना होते, इनको साब आ गया, साब और काम कर ले अपना, तो सबे ना हो, तो झूठ ही भोजन झूठ सबे ना, झूठ ही देना झूठ ही देना। व्यापार करते हैं तो व्यापार और ही करते हैं, पूजा नया और ही बनता है, और वैसी वही में जमा करते हैं और ही, झूठे ही देना झूठे ही देना झूठे भोजन झूठ सब देना सब सबसे बात करें टैक्स लग जाए सरकार का,
वाजपेयी है वो सरकार में दिखाने की और होती है। जैसे कहते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो ये कलयुग का ऐसे कलयुग का होता तो ये समझ में नहीं आता। पुराणों में वर्णन आया कि कलयुग में घुटनों के ऊपर ऊपर कपड़ा रहेगा, ये देखकर चले जाना पहले समझ में नहीं आती घुटनों ऊपर कपड़ा क्यों रहेगा, बस कपड़ा ही इतना ही रहेगा ऐसा हो जाएगा। और विचार होता है गोस्वामी महाराज ने कलयुग का वर्णन किया है आगे उत्तरकांड में, आप देखना उत्तरकांड में कलयुग का जहां वर्णन किया आरंभ में वहां कहते वेद शास्त्रों को लोग नहीं माने, वर्ण धर्म नहीं आसंसारी, वर्ण धर्म नहीं आसंसारी, सबसे पहले कलम उठाते यही कहा वर्ण धर्म नहीं। आज वर्ण धर्म नहीं छोरा ब्याह करे तो अपनी जाति में नहीं दूसरी जाति में, माँ बाप भाई मना करे तो दूसरी छोरी रहेंगे और नहीं तो मर जाएंगे। ऐसी बात है सुन आज ही सुन भाई ने माँ बाप ने मना किया अरे छोरी आदमी जब तू मर रहा तो नहीं तो मर जाऊंगे तो वर्ण धर्म नहीं। अब वर्ण क्या रहे छोरी किसी का छोरा किसा अब उसे बेटा बेटी पैदा वो किस वर्ण के होंगे तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी अरे श्रुति विरोध है तो सब नारी वेदों को हम नहीं मानते शास्त्रों को हम नहीं मानते पुराणों को हम नहीं मानते सब कुछ नहीं गप है तो वो हम नहीं मानते ऐसा लोग कहे तो मैं तो कहता हूँ उनको नमस्कार करो उनको दंडवत करनी चाहिए। जो कहते हम वर्ण नहीं मानते आश्रम नहीं मानते शास्त्रों को नहीं मानते वेदों को नहीं मानते तुम्हारे धर्म को नहीं मानते उनको नमस्कार दंडवत करनी चाहिए। क्यों करें दंडवत कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग आवेगा तब वेदों को पुराणों को नहीं मानेंगे और आज अगर सब मानते तो हमारी तो अश्रद्धा हो जाती शास्त्रों पर कि कलयुग को आया लोग मानते हैं अब नहीं मानते उनके चरणों में वाह वाह आपने बड़ी कृपा कर दी हमारी शास्त्रों से श्रद्धा डिग जाती आपने पक्की कर दी सच्ची बात है क्या प्रमाण है 3.5 दिन हाथ रख घूमने आप लोग एक हमारे शास्त्रों में प्रमाण है हमारे शास्त्रों की बात है सच्ची है नमूना देख गया ना आपका इस बार हमारे सच इसी के साथ कोई ब्याह कर ले सोरी के साथ कोई सोरा ये क्या है कलयुग की महिमा है ऐसा देखा मैंने तो कलकत्ता में देखा घूमने को जाते किले के मैदान में वहां देखा तो सोरा उबा उबा पीपल में मुंह उतरा क्या है क्या है क्या है आजकल के सोरों को देख लो समझो सास निषिद्ध क्या होता है आसन होते उसको देख रही है वही काम करें जो ऊंधी बात है उल्टी अधर्म धर्म में दिया मन देते तमसा का तमोगुण से बुद्धि आच्छादित हो जाती है तो अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म सर्वार्थान विपरीता से सब विपरीत विपरीत मान बुद्धि साफ पार्थान से ऐसे काम से बुद्धि हो जाती है कलयुग वास में ऐसा होता है। नारायण 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 और बात है अबला कस भूषण भूरी सुधा स्त्रियों के केश का इजन रहेगा। शेठ जी कहते थे गोविंदा जी कभी अबला कस भूषण केशों का गहना करे केशों का गजरा बनाएंगे कंठला बनाएंगे केशों का क्या बनाएंगे तो पता नहीं लगता केशों का क्या गहना अब केशों का केश लग जा केशों का ही गहना पहले जो था सोना रहता था अब खिला रहे लोगों का सिर पर सोना रहना चाहिए सोने से शुद्धि होती है ना भगवान के गोविंद गोविंद भगवान थे ना गिरिराज में उनके साथ एक लड़का खेलता था तो गोविंद था वो मैत्रों का था मैत्रों का लड़का उनके साथ गोविंद जी खेलते थे गोविंद भगवान का
गोविंद भगत है उसके जीवन चरित्र में याद होगा। जो साथ खेलते थे तो श्रीनाथ जी खेलते, श्रीनाथ जी खुद तो गोविंद था, वो भगवान का था भगत। एक दिन देखा श्रीनाथ जी की आरती हो रही है तो संग घरे आज बच्चे क्या तमाशा है, वो बीच में घुस गए। देखा तो अपनी अवस्था वाला एक छोकरा खड़ा है और आरती हो रही है, आनंद बन रहा है। तो देखा ये बड़ा ये छोरा ठीक है, इसके साथ अपने खेल तो मन में आ गई। अब बहुत से आदमियों की भीड़ है, क्या करें, तो भीड़ में बोल नहीं सका, मन खींच गया बस ये मित्र हो जाए इसके मित्र के साथ खेल। जब कपाट बंद हो गया तो जाकर देखा कमर चीर करके सुन रहे, श्रीनाथ जी भैया आओ हम खेलेंगे, देखो कैसी चांदनी रात है, बड़ी सुंदर खेल है, ये गुल्ली डंडा खेलेंगे। गोविंद को गुल्ली डंडा खेलना प्यारा लगता है, वो सब कोई सो रहा गुल्ली डंडा खेलने पर कैसे बाकी रहेगा, नहीं पड़ेगा उसे गुल्ली डंडा खेलते थे गोविंद। गोविंद को लगता था प्यारा। इस बार श्रीनाथ जी को कहा कि तुम आओ चांदनी रात है गुल्ली डंडा खेलेंगे। गुल्ली डंडे का तक ऐसा खेल प्यारा है, कोई छोरा बच सकता है, अपनी उसको लगती है सब जगह। तो दूसरे बाजे तुम चलो मैं आता हूँ, अब आगे अपने खेलो। तो तुम साथ मैं मारूंगा, मैं मारपीट नहीं करूंगा, आ जाओ खेलो अपने दोनों। अब गुल्ली डंडे खेलने लगे, खेलते खेलते ज्यादा देरी हो गई, देखा भाई माँ बाप याद करते हो तो मन में अच्छा भैया श्रीनाथ भैया हम तो जाते हैं, अच्छा भैया हो। ऐसे खेलते थे, ऐसे खेलते खेलते ये ठाकुर जी बड़े नफरत है जो महाराज, वो कहते हैं हम जीत गए, ठाकुर जी जीत गए, वो कहते जीत गया मैं, तुम कह दीजिए इतना डांड रहो इतना देना पड़ेगा, तो डंडे से नाप कर इतना दो, हम जीत गए। ठाकुर जी कहते हम जीत गए, झूठ मुड़ गए हम जीत गए। तब कहते सुनते हो नहीं, झूठ बोलते मेरे सामने मारूंगा। अगर भागे ठाकुर जी अगर ये भागा पीछे मारी मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा, झूठ बोलते हो जय तुम विजय हमारी जीत गए, तू कैसे जीत गए। अब राजा जी के ठाकुर जी भागते भागते चले गए मंदिर में, मंदिर में चले गए, आरती हो रही थी, लोग खड़े थे, भीतर चले गए, भीतर ये भीतर सब पीछे हो गए, जाकर सामने एक दो डंडा मारा, फिर खिजाए तो देख नहीं याद करते, फिर मार मार पीठ लाल करूँ मैं, जानते हो गए नहीं लूटे क्या करता है क्या करता है। उसको पकड़ के बाहर निकाला, मार फिर बाहर निकाल दिया। अब देखो तुम्हारे तो आदमी बहुत है, मैं अकेला पर खेलोगे किसी साथ, बोलो खेलोगे जो गंद मेरी गंदे मिलेगी, तब देख लूंगा सब देख लो ठीक तरह से। अब सा वो बैठ गए तो वो जा करके गोविंद कुंड है वहां परिक्रमा में होता, उस गोविंद कुंड में बैठ गया। ठाकुर जी के भोग लगाया तो मुखिया को मालूम हुआ कि ठाकुर जी भोग नहीं लगाते आज, कहते हमारा गोविंद भूखा बैठा है, हमारा भगत उसको भोजन कराओ तो भोजन करे। पुजारी ने जाकर कहा भैया तुम चलो, तो चले कैसे, वो हार तो वो गया रहा। हमारे कहते तुम हार गए, कहते तुम्हारे से हार मांगते, कहते तुम्हारी विजय हो गई वो हार मांगते, हार मांगते अब कब चलो, हार गया ना तो गया, जा गए भीतर खड़ा गए नाती भैया तुम भूख क्यों लगाया नहीं, तो तुम भूखा बैठा है ना कमाट हुआ बंद। अब दोनों मतलब भोजन किया, वहां साथ भोजन करते थे। ऐसे उनके खेल के ये तो एक बात याद आ गई, वो ये थी कि वो मैथनों का छोरा था ना, उसमें चंडी ले लेते हार जाए तो वहां तक हमारे घोड़ा बन के वहां से ले जाओ, वो तुम वहां से यहाँ तक लाओ, घोड़ा बनना पड़ेगा, हार जाए वो घोड़ा बने जीत जाए वो सवार बने उसको उसको लाद ले जाना था। उस मैथन से भगवान ने चंडी ले ली, चढ़ गए ऊपर तो गोविंद बिगड़ गया, गोविंद गया कि सुने नहीं चाहते थे तुमने सड्डी सड्डी ले ली, अब तुम हो गए अशुद्ध हो गए अपवित्र हो गए छू गए इसे। तो अब छू तो गया भैया, कृष्ण भैया ये बात नहीं है, स्नान करना पड़ेगा कपड़ों को से स्नान करना पड़ेगा,
अरे भैया मेरे को सीन लगता है, जाड़ा लगता है। तो उसने कहा देखो भाई छू जाते है तो मेरे सोना है पानी लेकर तो शुद्ध कर दो। ये शुद्ध करने की रीति है गाँव की, चल दिया अरे सोना लगाया शुद्ध कर दिया। तो वो सोना जिसे शुद्ध हो जाए महाराज अपवित्र पवित्र हो जाए, ऐसा सोना बोल शुद्ध कर। तो क्या भैया तुम देखो तुम चढ़ी ली है जो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तो स्नान करना पड़ेगा। तो गोविंद कुंड के किनारे पर खड़े थे ठाकुर जी श्रीनाथ जी, तो वे आना जानी करते कि ठंडी बहुत है, दिया धक्का होगा कुंड में गिर गए, बाहर निकला सब कपड़े तरान तर हो गए। अब उधर आरती का भक्त हुआ तो ठाकुर जी वहां खड़े है और पानी टपक रहा है, श्रीनाथ जी वहां खड़े हैं पानी में, क्या हुआ महाराज? मुखिया ने कहा क्या क्या हुआ? गोविंद ने मेरे को धक्का दिया, गोविंद की कुंड में मेरे को पड़ गया, पूरा भीग गया। अब गोविंद घर क्यों रे, ऐसा क्यों गया तुमने? तेरे पास सास बोला, इनको सास बोल, झूठ बोलता है झूठ, सच्ची बात क्या है बताओ? ये तो छिपाता है बोलता नहीं। अरे क्या हुआ, क्या क्या हुआ? अवसर दे लिया उसने, सो रहे उसे ढेर सट गया, सट गया। तो मैंने कहा कपड़ों से स्नान करो, ये आना जाने करता मैंने धक्का दे दिया, मैंने ऐसा स्नान किया मैंने कराया, ऐसे खेलते थे मैंने। तो सोने से शुद्ध हो जाए आजकल के छोरा जानते नहीं, हमें तो बचपन की बात याद है, ऐसे करते थे कोई जो सू जाए तो सोना लेकर पानी नहीं स्नान करते शुद्ध हो जाए। नारायण 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 नारायण, कृपा करके थोड़ी देर और भी राजे। चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की राम राम।